अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ मुरादाबाद की मासिक बैठक सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे वर्ष 2019, 2020 व 2020, 2021 के आय व्यय की पुष्टि की गई, संगठन विरोधी कार्यों में लिप्त संघ के सदस्यों के निष्कासन पर विचार विमर्श के उपरांत पुष्टि कर दी गई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का मासिक शुल्क निर्धारण किया गया, साथ ही 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने पर विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में मुख्य रूप से एमपी सिंह, मुकेश कुमार गौतम, किशन पाल सिंह, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, राम सिंह भारती, बाबू राम, राम सिंह गौतम, हरपाल सिंह बौद्ध, बी एस भारती, दौलत सिंह, सत्यपाल सिंह, ओपी सागर, मनोज कुमार, राहुल प्रकाश, रमेश प्रकाश सिंह, जैनेन्द्र सिंह, जितेंद्र कुमार जोली आदि लोग मौजूद रहे। क्या मामला था, क्या मीटिंग थी आज? आज हमारे संगठन अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की मासिक बैठक है और आज हमारे संगठन का आय व्यय पेश हुआ है 2019-20 और 2020-21 का आय व्यय पेश हुआ है और जो कि ध्वनिमत से पारित हुआ है। और आज हमारे संगठन के पास लगभग 11,22,000 कुछ रुपए इस समय हार्ड कैश मौजूद है। तो इसके अलावा और जो संगठन की मजबूती पे यहाँ पर चर्चा हुई है और एक हमारे संगठन के पदाधिकारी थे चंद्रलाल गौतम, उनको अनुशासनहीनता के कारण 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। और हमारे जिलाध्यक्ष आरपी सिंह, उन्होंने अपनी व्यस्तता के कारण त्याग पत्र दे दिया अपने पद से, उसको स्वीकार कर लिया गया है। और आगे जो है 26 नवंबर का जो प्रोग्राम हमारे संगठन के तत्वाधान में होना है, उसको भव्य रूप से मनाने के लिए चर्चा हुई।